डॉक्टर जी, युवा वयस्क वालों में किस प्रकार के भय संकोच रहते हैं? युवा वयस्क वालों में पहले पुरुषों को हम देखेंगे। पुरुषों में अपने हस्तमैथुन के बारे में बहुत भय होता है। हस्तमैथुन तो बहुत साधारण है, जब 16 साल आ जाएगा, 17 साल आ जाएगा, उनमें हस्तमैथुन की आदत बन जाएगी। हस्तमैथुन की आदत से किसी प्रकार का नष्ट तो नहीं, वैसे ही वीर गिर जाता है, वीर तो गिर जाता है हमेशा के, कभी कभी गिर जाता है ऐसा। वीर कितना भी गिर जाए हो, वीर किसी प्रकार का उसका कोई वैल्यू नहीं है, कितना भी खो जाने से कुछ भी नष्ट नहीं है। लेकिन वीर के बारे में हम तो बहुत वीर खो लिया इसलिए कमजोर पड़ जाऊंगा ऐसा समस्या नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और कुछ समस्या में लिंग तो छोटा है, समझे हैं, लिंग हमेशा के लिए 2 इंच से 4 इंच तक ही रहता है। लेकिन इस प्रकार के गलत धारणाएं भय युवा वयस्क वाले पुरुष में होते हैं, वैसे ही महिलाओं में भी भय होते हैं। महिलाओं में भी मेरी योनि रंध्र बहुत स्मॉल है, उसमें से पुल्लिंग प्रवेश होगा सेक्स में, मेरे एक ही उंगली अंदर जाता है। हम जब कभी मैं सेक्स में भाग लूँ हो गया, मैं प्राण जाएगा ऐसा समझते हैं, कुछ भी नहीं होगा। वैसे पुरुषों में सपनों में वीर गिर जाते हैं, वे समझते हैं ऐसे वीर गिर जाने से व्यायाम लैंगिक कमजोरी है, इससे समझते हैं नहीं, वो तो लैंगिक कमजोरी है, वो बहुत साधारण बात है। वैसे महिलाओं में भी नींद में सपने आते हैं, सपने की वजह से उनके बहुत का पानी निकलता है, ये समझते हैं मुझे बहुत कोई कमजोरी है, इससे समझते नहीं कमजोरी। ये सब युक्त वयस्कों में बहुत कॉमन बात है, साधारण बात है, उसके बाद डरने की बात कुछ भी नहीं। लेकिन कई युक्त वयस्क वाले वे डर जाते हैं, हस्तमैथुन का डर होता है, लेकिन नींद में से वीर खो जाने में बहुत डर लगते हैं, लिंग के बारे में डर होता है, वे समझे सेक्स के लिए हम लायक नहीं है ऐसा। वैसे महिलाएं फिर भी इस प्रकार कई प्रकार डर हैं, इसका केवल समाधान एक ही समाधान है, वह है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन से ये सब गलत धारणाएं क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक बन जाएगा। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।